हाथरस की सासनी तहसील के गांव मोहरिया अलीपुर में एक युवा महात्मा का भेष धारण कर इंद्रदेव से वर्षा की मांग को ले अपने चारों ओर आग लगा तप पर बैठ गया। आसमान से बारिश ना होने और इस आग उगल रही गर्मी से परेशान ग्रामीण भी इसके समर्थन करते हुए पास ही पंडाल लगा कर कीर्तन कर रहे हैं। ग्रामीण महिला पुरुषों का कहना है कि कहीं ना कहीं सभी को वर्षा की जरूरत है। इस आग उगल रही गर्मी ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। इसके साथ ही फसलों के लिए भी पानी की बहुत जरूरत है। वर्षा ना होने से आसपास के सभी तालाब सूख गए हैं। पानी का स्तर दिन पर दिन नीचा होता जा रहा है। ऐसे में किसी का वर्षा के लिए तप पर बैठने से लगता है कि प्रभु इसकी जरूर सुनेंगे और बारिश होगी। बारिश के होने से सभी को इस गर्मी से राहत मिलेगी। तप पर बैठे श्याम सरल का कहना है कि वो 21 दिनों के लिए तप पर बैठे हैं। मेरा कष्ट देखकर शायद भगवान मेहरबान हो जाए और क्षेत्र को सूखे से राहत के लिए बारिश कर दे। हाथरस से नीरज कृपाणी की रिपोर्ट, SKH न्यूज। क्या नाम है सर आपका? लक्ष्मीकांत वारा सर। कौन गांव है ये? अलीपुर मोहरा। किस लिए बैठे हुए बाबा? पब्लिक के भले के लिए बैठे हैं बाबा, बारिश हो जाए। हम भी यही कामना करते हैं, महाराज जी की सुनी हो। कीर्तन वगैरह भी हो रहा है शाम को? कीर्तन होगा शाम को। नाम बता। मेरा नाम दीना। बाबा तप पे बैठे हुए हैं? हाँ, बाबा तप के कार्य बैठे हैं, स्वामी कीर्तन करते हैं, वर्षा के लिए बैठे हैं, भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे। क्या नाम है सर आपका? आप तप पे बैठे हुए हैं, किस लिए बैठे हैं? बारिश की इच्छा है। कब तक बैठेंगे? 21 दिन तक। 21 दिन तब करेंगे वर्षा के लिए।